सोलन के सुवातू में पिछले कल एक व्यक्ति का जब टेस्ट करवाया गया तो उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है। इस खबर से सुवातू में दहशत का माहौल देखा गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उपल ने बताया कि ये व्यक्ति फौजी था और आर्मी एरिया में ही उसे क्वारंटीन किया गया था, इसलिए सुवातू की जनता को घबराने की बात नहीं है। उन्होंने शहरवासियों से आग्रह किया है कि अभी सोलन शहर में स्थिति नियंत्रित है, लेकिन कोरोना संक्रमण से तभी हम बच सकते हैं अगर प्रदेश सरकार द्वारा बताए गए नियमों का अनुसरण करेंगे। अधिक जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उपल ने बताया कि सुवातू में आया कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आर्मी क्षेत्र में क्वारंटीन था और उसे यहां से फौज के अस्पताल चंडी में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में सुवातू वासियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी सोलन में जो भी कोरोना पॉजिटिव के मामले आ रहे हैं वह ज्यादातर सभी क्वारंटीन थे, इसलिए अभी शहरवासियों को किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण शहर में ना फैले इसके लिए एहतियात रखना अत्यंत आवश्यक है। सुबाठू से एक व्यक्ति पॉजिटिव आया है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री इंटरस्टेट की है। वो कार में आया था और उसके बाद वो क्वारंटाइन हमारे पास ही था, तो कल उसका सैंपल पॉजिटिव आया है। तो 8-10 लोग उसके प्राइमरी कॉन्टैक्ट में हैं जिनका आगे हमारी आगामी कार्रवाई चल रही है, और अभी उनको पुलिस इन्होंने मिलिट्री वालों ने ही अपने चंडी मंदिर जो इनका हॉस्पिटल है वहां पर इसको शिफ्ट कर दिया। नहीं, अभी तक तो शहर के अपने मामले इतने नहीं है, तकरीबन जो बाहर हिस्ट्री वाले बाहर से हिस्ट्री ट्रैवल के हैं वो ही पॉजिटिव आ रहे हैं, पर शहर में कोरोना थोड़ा बहुत तो फैल ही रहा है, इसीलिए ध्यान तो रखना बहुत जरूरी है।